हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में, जो कि एक प्रोटोजोन है। इट्स अ पैरासाइटिक प्रोटोजोन। ट्रिपैनोसोमा के बारे में जान लेते हैं और गैम्बियंस स्पीसीज के ही बारे में क्यों पढ़ना है ये भी जानेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ में कई सारे एनिमल लाइक फ्लैजलेट्स, जिन्हें जू फ्लैजलेट्स कहते हैं, ये कई तरह के प्रोटोजोन्स को इंक्लूड करते हैं, जो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एज वेल एज पैरासाइटिक भी होते हैं। ये जो जू फ्लैजलेट्स हैं, ये फाइटोफ्लैजलेट्स से कुछ अलग होते हैं, क्योंकि जू फ्लैजलेट्स के पास क्लोरोफिल बियर करने वाला क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और साथ ही पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स भी नहीं होते हैं। लेकिन डेफिनेटली जू फ्लैजलेट्स जो हैं, ये फाइटोफ्लैजलेट्स से कुछ सिमिलैरिटी शो करता है, रिजेंबलेंस शो करता है। जैसे कि जो जू फ्लैजलेट्स हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला देखने को मिलता है, जो सिमिलर है फाइटोफ्लैजलेट्स से। जो पैरासिटिक जू फ्लैजलेट्स होते हैं, ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करते हैं, जो मैन और अदर वर्टिब्रेट्स के ब्लड और टिश्यूज़ में इनहिबिट करते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कौन सा ऐसा जू फ्लैजलेट्स है, पैरासिटिक जू फ्लैजलेट, तो उसका नाम है ट्रिपैनोसोम्स। ये ट्रिपैनोसोम्स जो हैं, ये जीनस ट्रिपैनोसोमा से बिलोंग करते हैं। जीनस ट्रिपैनोसोमा जो है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड ट्रिपैनन, जिसका मतलब है ऑगर, प्लस सोमा मीन्स बॉडी, से अराइज हुआ है। ये जो ग्रीक वर्ड ट्रिपैनन है मीन्स ऑगर, यहाँ ऑगर मीन्स होता है बर्मा। बर्मा एक स्ट्रक्चर होता है, आप ड्रिल मशीन के बारे में आजकल सुने हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं वो लकड़ियों में छेद करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ऑगर कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसे बर्मा कहते हैं। ये ट्रिपैनोसोमा जो है, ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पैरासिटाइज करते हैं। इनका कैरेक्टर होता है कि इनके पास एक फ्लैजिलम होता है, जो इनके बॉडी के पोस्टीरियर एंड में अराइज हुआ होता है। आप यहाँ डायग्राम में भी दे सकते हैं, फ्लैजिलम अराइज हुआ होता है इनके पोस्टीरियर साइड से। यहाँ पे देखिए फ्लैजिलम अराइज हो रहा है, ये फ्लैजिला जो है मूव करते हुए ये इस तरह से बॉडी के लास्ट में जा रहा है। ये जो फ्लैजिला यहाँ पे अराइज हो रहा है ट्रिपैनोसोमा के एक बॉर्डर लाइन को टच करते हुए, पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर मूव करता है, और जब ये बॉडी से टच होते हुए मूव कर रहा होता है, तो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है ब्लड के अंदर, और इस तरह से ये जो फ्लैजिला है, ये मूव करते करते बॉडी के एंटीरियर हिस्से में पहुँच जाती है, और यहाँ इसे कहते हैं हम फ्री फ्लैजिलम। क्या कहते हैं इसे? फ्री फ्लैजिलम। ट्रिपैनोसोमा के कुछ स्पीसीज़ जो हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जिनसे कुछ थोड़ा बहुत हार्म होता है या बिल्कुल भी हार्म नहीं होता। लेकिन कुछ अदर फॉर्म्स जो हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जिसे आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे, ये हाईली पैथोजेनिक पैरासिटिक जू फ्लैजलेट है, जो सीवियर डिजीजेस प्रोड्यूस करता है मैन एंड एनिमल्स दोनों में। यहाँ सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में ट्रिपैनोसोम्स के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं दिखाए गए हैं। जैसे शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, देन इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो ये अलग अलग फॉर्म ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में शो किया गया है। तो आज इसी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक जू फ्लैजलेट ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हाईली पैथोजेनिक है, सीवियर डिजीजेस कॉज करता है इन मैन एंड एनिमल्स। तो लेट्स बिगिन। तो ये कुछ डायग्राम हैं जिनकी हेल्प से आज हम टी गैम्बियंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन मैन एंड सेसेफ्लाई। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस: फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, क्लास जू मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिपैनोसोमा एंड स्पीसीज गैम्बियंस। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ सिस्टमेटिक पोजीशन ट्रिपैनोसोमा का। अब टी गैम्बियंस के हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोम्स। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स का मतलब होता है कि जो ट्रिपैनोसोम में वेरियस फॉर्म्स दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर्स के बेस पे, तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ट्रिपैनोसोम के अलग अलग फॉर्म में। तो पहला जो है वो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लेफेरोप्लास्ट एंड द कोर्स टेकन बाय द फ्लैजिलम, मतलब कि काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लेफेरोप्लास्ट का पोजीशन क्या होता है और उनमें फ्लैजिलम का जो कोर्स होता है, उसके बेस पे चार
फॉर्म्स हैं ट्रिपैनोसोम्स के। फर्स्ट वन इज लेस्मानियल, ऑल्सो कॉल्ड ए मेस्टिकॉट। सेकेंड लेप्टोमोनाड, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोमेस्टिकॉट। थर्ड क्रिथिडियल, ऑल्सो कॉल्ड ईपी मेस्टिकॉट। फोर्थ वन इज ट्रिपैनोसोमिड, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपोमेस्टिकॉट। इसके अलावा टू और मोर सच फॉर्म्स भी दिखाई देते हैं होस्ट में लाइफ साइकिल के दौरान। दो या दो से ज़्यादा कुछ अलग फॉर्म भी दिखाई देते हैं। ये कौन कौन से फॉर्म्स हैं तो इन फॉर्म्स को भी हम देख लेंगे। यहाँ डायग्राम में इन फॉर्म्स को देखेंगे, इन फॉर्म्स के नाम क्या क्या होते हैं। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म एंड शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो हैं, ये सारे जो फॉर्म हैं ये आपको ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में दिखाई दे जाएगा। तो ये ट्रिपैनोसोम के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हो गए। अब हम इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर नंबर टू, फिगर नंबर टू में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोम्स दिखाया गया है। यहाँ ए लेस्मानियल, बी लेप्टोमोनाड, सी क्रिथिडियल एंड डी जो है ट्रिपैनोसोमिड को दिखाया गया है। ये ट्रिपैनोसोमा के अलग अलग स्पीसीज़ को इंडिकेट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है लेस्मानियल, जिसे ए मेस्टिकॉट भी कहते हैं, राउंड ओवल फॉर्म होता है जिसमें एक न्यूक्लियस, ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फ्लैजिलम रेड्यूस्ड होता है और फिब्रिल लाइक होता है जो इम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म में। वहीं हम बात करें सेकंड लेप्टोमोनाड की, लेप्टोमोनाड जिसे प्रोमेस्टिकॉट कहते हैं, इसमें बॉडी थोड़ी इलोंगेट होती है, न्यूक्लियस लार्ज होता है एंड एंटीरियरली लोकेटेड ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट होते हैं। फ्लैजिलम जो है वो शॉर्ट होता है और अनअटैच्ड होता है। अनअटैच्ड का मतलब है कि जो फ्लैजिलम है वो इनकी बॉडी से कहीं अटैच्ड नहीं होगी। ओके, देन थर्ड वन इज़ क्रिथिडियल, जिसे ईपी मेस्टिकॉट कहते हैं, इसमें बॉडी इलोंगेट है, ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट प्लेस्ड होते हैं इमीडिएटली एंटीरियर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट एंटीरियर साइड में ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट जो है ये प्लेस्ड होते हैं क्रिथिडियल टाइप में। और इनमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन अनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे पाता है। फोर्थ वन इज ट्रिपैनोसोमिड, जिसे ट्रिपोमेस्टिकॉट भी कहते हैं। ट्रिपैनोसोमिड्स में बॉडी इलोंगेट है, फिगर में भी देख सकते हैं बॉडी इलोंगेट और सिलेंडर है। ब्लेफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट जो है ये सिचुएटेड हैं एट और नियर पोस्टीरियर एंड। अभी आपने देखा कि लेस्मानियल, लेप्टोमोनाड और क्रिथिडियल में ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट का पोजीशन है वो अलग अलग है, और खासकर लेस्मानियल और लेप्टोमोनाड में तो एंटीरियर साइड में इनका पोजीशन था, जबकि ट्रिपैनोसोमिड में जब आएंगे हम तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट है ये सिचुएटेड हैं एट और नियर पोस्टीरियर एंड, और ट्रिपैनोसोमिड में अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये कॉन्स्पिक्यूअस होता है, साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी से, इकोलॉजी डिस्कवरी। इसमें बताया गया है कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एज अ ह्यूमन पैरासाइट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई फोर्ड इन 1901 में फोर्ड के द्वारा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, टी गैम्बियंस जो है ह्यूमन पैरासाइट के तौर पे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था फोर्ड के द्वारा। सेसे फ्लाई वेक्टर की मदद से स्लिपिंग सिकनेस जो है वो ट्रांसमिट होता है, ये 1895 में ही सर डेविड ब्रूस ने बता दिया। फिर हम बात करेंगे टी गैम्बियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहाँ कहाँ इसका फैलाव है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज़ कन्फाइंड मेनली टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, पर्टिकुलरली इन नाइजीरिया एंड कॉन्गो, नियर रिवर्स एंड लेक्स, इन लो एंड थिक वेजिटेशन। जो टी गैम्बियंस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में, पर्टिकुलरली नाइजीरिया और कॉन्गो में देखने को मिलता है, और वो भी नदियों के किनारे ये और ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पे लो और थिक वेजिटेशन होता है। थर्ड पॉइंट इज हैबिट्स एंड हैबिटेट। इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है मैन में। द पैरासाइट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इन लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज। टी गैम्बियंस जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फ ग्लैंड्स में जो है ये देखने को मिलते हैं, और ये जो इनका प्लेस है ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ ग्लैंड, ये केवल अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज में ही देखने को मिलते हैं, और ये कॉज करते हैं मैन में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। लेटर स्टेज में अपने, मतलब टी गैम्बियंस अपने डेवलपमेंट के लेटर स्टेज में क्या करते हैं, तो इन लेटर इट इन्वेड्स द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इन्वेड करते हैं, और वहाँ इन्वेड करने के बाद ये कॉज करते हैं कई तरह के डिजीज लाइक फीवर, एनीमिया,
लेथार्जी एंड अल्टीमेटली डेथ तक की कंडीशन आ जाती है। अगर बात करें हम टी गैम्बियंस के चीफ वेक्टर की, क्या है चीफ वेक्टर, क्या है इसका, तो चीफ वेक्टर इनका होता है जो मैन टू मैन ट्रांसमिट करता है इस डिजीज़ को, वो वेक्टर है सेसे फ्लाई, जिसके बारे में सर डेविड ब्रूस ने 1895 में बताया था कि ये ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर है। सेसे फ्लाई की जो मेन स्पीसीज़ है, जो मेन वेक्टर है, वो है ग्लॉसिना पाल्पेलिस, बट हमें देखने को ये मिलता है कि ग्लॉसिना टैकिनोइड्स जो स्पीसीज़ है सेसे फ्लाई की, ये भी ट्रांसमिट के लिए जानी जाती है एज अ वेक्टर। अगर मान लीजिए कभी सेसे फ्लाई को मैन एज अ लाइक अ होस्ट नहीं मिल पाता है कभी, तो टेम्प्रोरी होस्ट या रिजर्वायर होस्ट के तौर पे ये ओकेजनली कुछ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड मैमल्स को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कौन कौन से मैमल्स हैं या एनिमल्स की बात करेंगे, तो यहाँ मंकी है, डॉग, पिग, एंटीलोप्स, बुफेलोस एंड रीड बग्स एट्सेट्रा, तो इन जानवरों में भी ये टेम्प्रोरी होस्ट के तौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब तक इन टेम्प्रोरी होस्ट्स में टी गैम्बियंस रहता है, तब तक इसके बॉडी में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, टी गैम्बियंस में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये इनकी बॉडी में, इन मैमल्स की बॉडी में वेट करते हैं ताकि ये ह्यूमन की बॉडी में अपना इंट्रोडक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक अपने डेवलपमेंट को रोके रखते हैं, और जैसे ही ह्यूमन बॉडी में इनका इंट्रोडक्शन होता है तो अपना डेवलपमेंट वो फर्दर स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जब भी टी गैम्बियंस का ट्रांसमिशन होगा, चाहे वो मैन टू मैन हो रहा है या मैन टू किसी एनिमल में या एनिमल टू मैन हो रहा है, जब भी ट्रांसमिशन होगा तो विद दी सेसे फ्लाई, क्योंकि वेक्टर ही सेसे फ्लाई है। सेसे फ्लाई जो है ये मैन को भी बाइट करती है एंड अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को भी। ओके, नाउ हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, टी गैम्बियंस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो इनमें हम कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं पहले, किनके किनके बारे में हम इसके मॉर्फोलॉजी में जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ शेप एंड साइज, सेकंड पेलिकल, थर्ड फ्लैजिलम, फोर्थ अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, फिफ्थ साइटोप्लाज्म एंड सिक्स्थ वन इज़ न्यूक्लियस। सबसे पहले आप सेसे फ्लाई एंड टी गैम्बियंस के डायग्राम को देख लीजिए कैसे दिखाई देते हैं ये। तो ये फिगर नंबर 3, आप यहाँ सेसे फ्लाई को देख सकते हैं एंड यहाँ एक फिगर दिखाया गया सेसे फ्लाई के नीचे जो कि टी गैम्बियंस का मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी के एक एक पॉइंट्स को हमें अगर पढ़ना है तो टी गैम्बियंस के मॉर्फोलॉजी को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्प से अगर हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करें तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं उस डायग्राम पे। ओके, तो आई होप कि आप सब लोगों ने मॉर्फोलॉजी के हेडिंग्स को नोट कर लिया होगा। अब एक एक हेडिंग को हम डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था शेप एंड साइज, टी गैम्बियंस जो कि एक यूनिसेलुलर बॉडी है। यूनिसेलुलर बॉडी ऑफ टी गैम्बियंस इज माइक्रोस्कोपिक, elongate, leaf-like, flattened and tapering at both end. It measures 10 to 40 micron in length and 2.5 to 10 micron in width. The anterior end, which marks the emergence of free flagellum, is pointed, while the posterior end is blunt. Trypanosoma gambiens जो है इसकी unicellular body microscopic, elongate, leaf-like, पत्ती के नुमा, लंबी, सूक्ष्म, चपटी, फ्लैटेंड और टैपरिंग होती है एट बोथ एंड। मेजर की बात करें तो 10 टू 40 माइक्रॉन लंबाई होती है और 2.5 टू 10 माइक्रॉन विड्थ चौड़ाई होती है। टी गैम्बियंस एंटीरियर एंड पे जहाँ से फ्लैजिलम का इमर्जेंस हुआ होता है वो स्ट्रक्चर पॉइंटेड है, जबकि पोस्टीरियर एंड ब्लंट होता है। ब्लंट एरिया से ही, ब्लंट एंड से ही एक्चुअल में जो फ्लैजिलम है वो ओरिजिनेट हुआ होता है ब्लिफेरोप्लास्ट से। आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि पोस्टीरियर एंड से जो फ्लैजिलम अराइज़ हो रहा है, यहाँ से ये फ्लैजिलम अराइज़ हो रहा है, ये एंटीरियर एंड पे आके, एंटीरियर एंड इसका कैसा है, पॉइंटेड है, एंटीरियर एंड पॉइंटेड है एंड पोस्टीरियर एंड थोड़ा ब्लंट होता है। तो पोस्टीरियर एंड जो कि ब्लंट है वहीं से बेसल बॉडी से फ्लैजिलम अराइज होता है और एंटीरियर एंड की तरफ मूव कर रहा होता है एज अ फ्री फ्लैजिलम। ओके, टी गैम्बियंस इज पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज एंड अकर्स इन टू डेवलपमेंटल फॉर्म्स, द ट्रिपैनोसोम फॉर्म एंड क्रिथिडियल फॉर्म। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो कि पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज है, इसके दो डेवलपमेंटल फॉर्म है। पहला फॉर्म ट्रिपैनोसोम फॉर्म और दूसरा डेवलपमेंटल फॉर्म है क्रिथिडियल फॉर्म। अगर वर्टिब्रेट होस्ट दैट इज मैन के ब्लड स्ट्रीम में कौन सा फॉर्म पाया जाता है इसकी बात करें तो वो है ट्रिपैनोसोम फॉर्म, जो कि लॉन्ग सिलेंडर हो सकता है,
शॉर्ट स्टम्पी या इन दोनों फॉर्म के बीच का फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकता है। इन इन्वर्टिब्रेट होस्ट दैट इज सेसेफ्लाई, इन्वर्टिब्रेट होस्ट जो कि सेसेफ्लाई है, सेसेफ्लाई की बॉडी में ट्रिपैनोसोम का कौन सा डेवलपमेंटल फॉर्म पाया जाता है इसकी बात करें तो इन इन्वर्टिब्रेट होस्ट सेसेफ्लाई द ट्रिपैनोसोम फॉर्म इज लॉन्ग सिलेंडर इन मिडगट एंड शॉर्ट स्टम्पी इन सलाइवरी ग्लैंड। क्रिथिडियल फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड ओनली इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द सेसेफ्लाई। इन्वर्टिब्रेट होस्ट सेसेफ्लाई की बॉडी में टी गैम्बियंस का जो डेवलपमेंटल फॉर्म पाया जाता है वो है ट्रिपैनोसोम फॉर्म, जो लॉन्ग सिलेंडर होता है उनकी मिडगट में और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है सलाइवरी ग्लैंड में। क्रिथिडियल फॉर्म जो है केवल सेसेफ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में ही देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट मॉर्फोलॉजी का, दैट इज पेलिकल। आप डायग्राम में भी पेलिकल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। द होल बॉडी इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ थिन इलास्टिक एंड फर्म कवरिंग द पेलिकल। पेलिकल एक कवरिंग होती है, थिन इलास्टिक लचीली कवरिंग है, पतली है, फर्म कवरिंग है, ठीक है, दृढ़ है और बॉडी को सराउंड की हुई है, पूरे बॉडी को सराउंड की हुई है एक्सटर्नली। और पेलिकल जो है सपोर्टेड होती है, किससे सपोर्टेड होती है, तो इट इज़ सपोर्टेड बाय द फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स विच रन अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द बॉडी। ये पेलिकल्स जो हैं ये अंदर की ओर से कुछ फाइन फिब्रिल्स की हेल्प से सपोर्टेड होती हैं। इन फिब्रिल्स को ही माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला गया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल इट स्विम्स इन द ब्लड प्लाज्मा। ऐसा माना जाता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेलिकल के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इस ऑर्गेनिज्म को स्विमिंग के दौरान इनके बॉडी के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन आवर थर्ड पॉइंट इज फ्लैजिलम। ट्रिपैनोसोम इज यूनिफ्लैजिलेट एज इट बियर्स अ सिंगल फ्लैजिलम। ट्रिपैनोसोम यूनिफ्लैजिलेट का मतलब क्या है कि एक फ्लैजिलम इसकी बॉडी में होता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। इट अराइजेज फ्रॉम अ बेसल बॉडी काइनेटोसोम। अब ये जो फ्लैजिलम है ये अराइज कहाँ से हो रहा है, तो ये बेसल बॉडी से हो रहा है। कहाँ से अराइज हो रहा है, बेसल बॉडी से। आप ये डायग्राम में भी देखेंगे कि बेसल बॉडी से अराइज हो रहा है फ्लैजिलम, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ से अराइज हो रहा है फ्लैजिलम, इसे बोला गया है बेसल बॉडी। इट अराइजेज फ्रॉम अ बेसल बॉडी दैट इज काइनेटोसोम। ये बेसल बॉडी सिचुएटेड है नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर बॉडी के पोस्टीरियर एंड के पास ही ये सिचुएटेड होती है। और फ्लैजिलम जो है ये रन कर रहा होता है, इट रन्स फॉरवर्ड। मूव किधर करेगा, फॉरवर्ड, अटैच्ड अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स फ्री एट द एंटीरियर एंड। फ्लैजिलम जो होता है ये बेसल बॉडी से अराइज होके पूरे लेंथ में, बॉडी के पूरे लेंथ में एक्सटेंड किया होता है और फ्री फ्लैजिलम के तौर पे एंटीरियर एंड में देखने को मिलता है। अगर इस फ्लैजिलम का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो आगे बताया जा रहा है कि इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द फ्लैजिलम शोज द यूजुअल 9+2 इंटरनल फिब्रिल अरेंजमेंट एज इन केस ऑफ युग्लिना। इट ऑल्सो बियर्स यूनिलेटरल हेयर्स एज इन युग्लिना। ट्रांसवर्स सेक्शन करने पे फ्लैजिलम में यूजुअल 9.2 इंटरनल फिब्रिल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, युग्लिना में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यूनिलेटरल हेयर्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब एक साइड में हेयर्स होते हैं इस फ्लैजिलम के, वो भी युग्लिना से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। बट नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स अटैचिंग द फ्लैजिलम विद पेलिकल हैव बीन ऑब्जर्व्ड। पेलिकल से जुड़ा हुआ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। व्हेन द ट्रिपैनोसोम मूव्स इन ब्लड अंडुलेटिंग वेव्स पास फ्रॉम टिप टू बेस ऑफ द फ्लैजिलम, अ कंडीशन अनलाइक दैट ऑफ युग्लिना इन विच वेव्स पास फ्रॉम बेस टू टिप। टी गैम्बियंस में जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन ये अंडुलेटिंग वेव्स को पास करती है, लेकिन ये वेव स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो फ्लैजिलम के टिप से स्टार्ट होंगी और बेस की ओर जाएंगी। बेस किधर है इसका, तो बेसल बॉडी के पास। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो वेव्स का मूवमेंट है ये बिल्कुल उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है आपकी युग्लिना में। युग्लिना में जो मूवमेंट हो रहा था वो बेस से स्टार्ट हो रहा था मूवमेंट और वो टिप की ओर जा रहा था, जबकि यहाँ टी गैम्बियंस में आपको
टिप से बेस की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा फ्लैजिला का, जिसकी वजह से होता क्या है कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन मूव कर रहा होता है और इनके मूवमेंट में हेल्प करेगा। मॉर्फोलॉजी में फोर्थ पॉइंट है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। व्हेन द फ्लैजिलम बीट्स द पेलिकल टू विच इट इज अटैच्ड इज पुल्ड अप इनटू अ मेम्ब्रेनस फोल्ड कॉल्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। दिस इज बिलीव टू बी एन अडॉप्टेशन फॉर लोकोमोशन इन द विस्कोस फ्लूइड दैट इज ब्लड। टी गैम्बियंस की बॉडी में अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को एक अडॉप्टेशन के तौर पे माना गया है लोकोमोशन के लिए, जो हेल्प करता है विस्कोस फ्लूइड में, क्योंकि ये ब्लड में ही रहते हैं तो इनके लोकोमोशन में हेल्प के लिए अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का यूज़ बताया गया है। कि जब फ्लैजिलम बीट करता है तो पेलिकल से अटैच्ड जो ये फोल्ड मेम्ब्रेनस फोल्ड है, जिसे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोला गया है, ये एक लोकोमोशन में, बॉडी के लोकोमोशन में हेल्प करता है जब ये ब्लड में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट इज साइटोप्लाज्म, है कि द साइटोप्लाज्म इज इनक्लोज्ड विद इन द पेलिकल। इट हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड टू बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म के बारे में क्या बताया गया है कि पेलिकल का जो स्ट्रक्चर है टी गैम्बियंस की बॉडी में, पेलिकल के अंदर की ओर साइटोप्लाज्म पूरा बिखरा हुआ पड़ा है और इस साइटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएटेड नहीं है इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से रिवील करने के बाद देखने को मिलता है कि एक रिजर्वॉयर भी प्रेजेंटेड है इसकी बॉडी में। रिजर्वॉयर कहाँ है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं रिजर्वॉयर का, एक रिजर्वॉयर भी प्रेजेंट है जो युग्लिना के रिजर्वॉयर से करस्पॉन्ड करता है, उससे संबंधित है। बट यहाँ पे रिजर्वॉयर पोस्टीरियर एंड में है। किस एंड पे है, पोस्टीरियर एंड पे है, जबकि युग्लिना में उसका पोजिशन पोस्टीरियर एंड पे नहीं था। द बेसल बॉडी और ब्लिफेरोप्लास्ट, बेसल बॉडी, दिस वन बेसल बॉडी की बात कर रहा है कि द बेसल बॉडी और ब्लिफेरोप्लास्ट ऑफ फ्लैजिलम इज लोकेटेड एट दी बेस ऑफ दिस रिजर्वॉयर। इस रिजर्वॉयर के नीचे ही क्या है, बेसल बॉडी प्रेजेंट है एंड एक इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है, एन इलोंगेटेड एंड अनइवन माइटोकॉन्ड्रियन विद ट्यूबुलर क्रिस्टेई। इसके साथ क्या है, ट्यूबुलर क्रिस्टेई भी हैं विद ट्यूबुलर क्रिस्टेई इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू द अदर, बॉडी के एक एंड से बॉडी के दूसरे एंड तक फैला हुआ स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें ट्यूबुलर क्रिस्टेई लगे हुए हैं जस्ट नियर ब्लिफेरोप्लास्ट। अब बात कर रहा है कि ब्लिफेरोप्लास्ट के जस्ट पास, ब्लिफेरोप्लास्ट मीन्स इसी बेसल बॉडी की बात कर रहा है ये, ब्लिफेरोप्लास्ट के नज़दीक ही माइटोकॉन्ड्रियन फॉर्म करता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ब्लिफेरोप्लास्ट के पास में ही एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पे, दिस वन द माइटोकॉन्ड्रियन फॉर्म्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज पैराबेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट। क्या बोला गया है इसे, काइनेटोप्लास्ट, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं काइनेटोप्लास्ट। इट इंक्लूड्स अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स विच लाइज एंटीरियो पोस्टीरियरली विद इन द डिस्क। इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स है जो एंटीरियो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में इस तरह से प्रेजेंटेड है। तो आप डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अ गोल्गी अपैरेटस इज प्रेजेंट बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड न्यूक्लियस, रिजर्वॉयर एंड न्यूक्लियस के बीच में एक गोल्गी अपैरेटस पाया जा रहा है। कहाँ पे है, हियर, आप डायग्राम का नेम देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो गोल्गी अपैरेटस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड न्यूक्लियस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स अकर ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी फैले हुए हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जा रहे हैं और फ्रीली स्कैटर्ड भी हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स न्यूमरस ग्रेनिस रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स, समटाइम्स कॉल्ड वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। दीज आर सपोज टू बी स्टोर्ड फूड पार्टिकल्स, चीफली ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट्स। साइटोप्लाज्म में ही कुछ ग्रीनिस रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं जिन्हें वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो फूड स्टोर करने के लिए होते हैं, और चीफली फूड जो है वो ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट्स के फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, वेरियस बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स आर ऑल्सो सीन इन साइटोप्लाज्म। कई सारे वैक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, सम विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट इज लाइसोसोम, और इनमें से कुछ जो वैक्यूल्स हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के साथ देखने को मिलते हैं जिन्हें लाइसोसोम्स बोला गया है। नाउ अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सिक्स, दैट इज न्यूक्लियस। विद इन द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हियर इज
नेमिंग आप न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट्स को देख सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो विद इन द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अ लार्ज ओवल एंड वेसिक्यूलर न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन एंड बियर्स पोर्स। द न्यूक्लियोलस और इंडोसोम इज सेंट्रली प्लेस्ड सराउंडेड बाई अ क्लियर स्पेस। न्यूमेरस क्रोमोजोम्स रिमेन स्कैटर्ड विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है कि न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एक लार्ज ओवल अंडाकार और वेसिक्यूलर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को कवर्ड की हुई या सराउंड की हुई जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन है और इसमें कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पोर आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। न्यूक्लियोलस या जिसे इंडोसोम बोला गया है ये सेंट्रली प्लेस्ड है, डायग्राम देख सकते हैं आप। और न्यूक्लियोलस जो है ये सराउंडेड है बाय अ क्लियर स्पेस। न्यूमेरस क्रोमोसोम्स जो हैं ये इसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूमेरस क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारा मॉर्फोलॉजी टॉपिक जो है टी गैम्बियंस की मॉर्फोलॉजी यहाँ कम्प्लीट हुई। तो मॉर्फोलॉजी कम्प्लीट हो गया है, अब हम बात करेंगे टी गैम्बियंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनकी संख्या कैसे बढ़ती है इसके बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन टी गैम्बियंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन इन टी गैम्बियंस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फर्स्ट द कैनेरोप्लास्ट एंड द ब्लेफेरोप्लास्ट डिवाइड टू बिकम पेयर्ड। द ओल्ड फ्लैजिलम रिमेन्स अटैच्ड टू वन ऑफ द ब्लेफेरोप्लास्ट व्हाइल अ न्यू वन बिगिंस टू ग्रो आउट फ्रॉम द अदर ब्लेफेरोप्लास्ट। द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। फाइनली द बॉडी स्प्लिट्स मिड लॉन्गिट्यूडनली from the anterior and backwards forming two daughter trypanosomes। कि reproduction जो होता है T gambiens में, इसमें sexual reproduction जो है वो unknown है, ये देखने को नहीं मिलता। asexual reproduction देखने को मिलता है जो longitudinal binary fission के द्वारा होता है। ये binary fission कैसे होता है इसको हम समझेंगे diagram की मदद से। ये जो form है blood plasma में इनका एक रूप है, ये divide कैसा हो रहा है, ये divide हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ, इनका division हो कैसा रहा है ये देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन में बताया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अननोन है टी गैम्बियंस में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से होता है। तो कैसे होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटोप्लास्ट एंड द ब्लेफेरोप्लास्ट डिवाइड टू बिकम पेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका काइनेटोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर है एंड ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से फ्लैजिलम अराइज हो रहा है वो स्ट्रक्चर और काइनेटोप्लास्ट ये दोनों क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं और अपना पेयर बनाते हैं। तो ओल्ड फ्लैजिलम जो है वो तो ब्लेफेरोप्लास्ट से अटैच्ड रह जाता है, जबकि जो नया एक नया ब्लेफेरोप्लास्ट जो बना होता है वहाँ से एक दूसरा फ्लैजिलम जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो रहा होता है। न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है बाय माइटोसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन माइटोसिस के द्वारा होता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनके डिवीजन में दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं। एंड फाइनली बॉडी भी जो है वो स्प्लिट कर जाती है, बॉडी भी स्प्लिट कर जाती है। और स्प्लिट करने का तरीका क्या है, तो फ्रॉम एंटीरियर एंड बैकवर्ड। एंटीरियर एंड जो कि फ्री फ्लैजिलम वाला पार्ट है यहाँ से इनका डिवीजन हो रहा है, फ्री फ्लैजिलम वाले पार्ट से इनका डिवीजन हो रहा है और बैकवर्डली मूव कर रहा है। एंटीरियर साइड से बैकवर्ड साइड में इनका जो है डिवीजन वो मूव कर रहा है, इसलिए इनके डिवीजन को बोला गया है स्प्लिटिंग को, या बोले हम बाइनरी फ्यूजन को बोला गया है कि फ्रॉम द एंटीरियर एंड बैकवर्ड्स, मतलब एंटीरियर से होके बैकवर्ड डायरेक्शन में इनका डिवीजन होता है। एंड इस मिड लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट के बाद दो डॉटर ट्रिपेनोसोम्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इसके रिप्रोडक्शन के बारे में था। इस वीडियो में यहीं तक। टी गैम्बियंस के लाइफ साइकिल को हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक दें एंड थैंक यू।